नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान की जिला प्रशासन ने आज छापेमारी अल्ट्रासाउंड सेंटर और कई पैथोलॉजी सेंटर पर की। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं सिवान के सदर एसडीएम राम बाबू बैठा, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ तमाम लोगों की टीम, और ये लोग पहुँचे सबसे पहले डॉक्टर पैथोलैब में और उसके बाद से कमला अल्ट्रासाउंड जो कि सिवान के अस्पताल रोड में है जिसको सील कर दिया गया। तो एटीएन लाइव पर हम आपको सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं कि कैसे आज जिला प्रशासन ने अल्ट्रासाउंड और किस तरीके से जो गलत तरीके से पैथो लैब चलाए जा रहे थे उस पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसा और उसके बाद से तमाम जगहों पर छापेमारी हुई। हालांकि आपको बता दें कि सिवान में बहुत सारे ऐसे भी लैब अभी चल रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के धड़ल्ले से लैब चला रहे हैं, बिल्कुल अवैध तरीके से चला रहे थे। लेकिन जिलाधिकारी के निर्देश पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम आला अधिकारी उतर गए और सिवान के अस्पताल रोड में छापेमारी होने लगी। तो बिल्कुल इस तस्वीर को आप देखिए, नगर इंस्पेक्टर सुदर्शन राम, उनके साथ पूरी टीम, और ये लोग शहर के अस्पताल रोड में छापेमारी करने के लिए पहुँच गए जहाँ पर डॉक्टर पैथोलैब और उसके बाद सिवान अस्पताल रोड में मवेशी अस्पताल के ठीक सामने कमला अल्ट्रासाउंड। और जैसे कि सिवान के एसडीओ राम बाबू बैठा ने बताया कि कमला अल्ट्रासाउंड में जब छापेमारी की गई तो कुछ कागजात उस तरीके के नहीं दिखाए गए जिससे हम लोगों को पूरी तरीके से उस पे सहमति लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे इनके द्वारा आज बताया गया कि कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया है, जबकि वहाँ पर एक व्यक्ति मौजूद थे, उनसे पूछताछ हुई तो पता चला कि अल्ट्रासाउंड किया गया है। तो एसडीओ ने बताया कि सबसे बड़ी बात यह कि किसी तरह का अल्ट्रासाउंड करने वाला कोई विशेषज्ञ यहाँ पर था नहीं, तो आखिरकार अल्ट्रासाउंड किसने किया? तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं स्टाफ के द्वारा की गई होगी जिसको किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, किसी तरह की कोई डिग्री नहीं है, और उसके बाद से इस तरीके का अल्ट्रासाउंड कर दिया गया। अल्ट्रासाउंड में कहीं कुछ गड़बड़ी हो जाए, मरीज की अगर जान चली जाए तो फिर इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो बिल्कुल इन तस्वीरों को आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सिवान के सदर अनुमंडल पदाधिकारी राम बाबू बैठा, सिवान के सदर सीओ, सिवान के बीडीओ, नगर थाना के इंस्पेक्टर और पूरी दल बल के टीम के साथ ये लोग छापेमारी करने के लिए पहुंचे हुए। हालांकि छापेमारी अभी भी जारी है, कई जगहों पर छापेमारी अभी चल रही है। एक बार फिर से हम बता दें, सिवान के अस्पताल रोड से सटे साधु मेडिकल हॉल के ठीक पीछे डॉक्टर पैथोलैब में छापेमारी हुई और उसके बाद से अस्पताल रोड में मवेशी अस्पताल जो है उसके ठीक सामने कमला अल्ट्रासाउंड, वहां पर छापेमारी हुई और वहां पर बहुत सारी चीज़ें थी जहां पर गड़बड़ियां देखने को मिली सिवान के सदर एसडीओ को, और उसके बाद से कमला अल्ट्रासाउंड को तुरंत सील करा दिया गया। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एसडीओ की बड़ी कार्रवाई, सिवान की जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई है। अगर इस तरह से हो तो जो अवैध तरीके से जो पैथोलॉजी चल रहे हैं या फिर अल्ट्रासाउंड चल रहे हैं बहुत जल्द उस पर विराम लगेगी। एटीएन लाइव के लिए चंदन के साथ रीसू की रिपोर्ट। वो अल्ट्रासाउंड की जांच की जा रही है जहाँ पे डीएम साहब के आदेश अनुसार पूरे जिला में हो रही है। सर अभी तक कितने शिफ्ट किए हैं? यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, जांच में सहयोग नहीं किया इन्होंने, कोई पंजी नहीं दिखाया, इसलिए इनको सिलते रह रही है। अभियान अभी कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यू रहेगी।